फिर हुआ रिश्तों का कत्ल, पति पत्नी के पावन रिश्ते पर फिर उठे सवाल। यूपी के मेरठ में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिल की पति की निर्मम हत्या। घटना को छिपाने के लिए हत्या के बाद महिला और उसके प्रेमी ने मृतक के शव को बोरे में बंद कर फेंका कूड़े के ढेर में। आपको बता दें, मेरठ के मवाना निवासी मृतक 31 वर्षीय बाबूराम शादी के बाद शिवपुरम कॉलोनी में किराए के मकान में परिवार सहित रहता था। मृतक बाबूराम स्क्रैप का व्यापारी था। उसकी पत्नी दीपा का मोहल्ले में रहने वाले शिवम से पिछले 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बाबूराम के घर से चले जाने के बाद शिवम अक्सर उसके घर पे आता जाता था, जिसको लेकर दोनों में अक्सर कहासुनी हुआ करती थी। बीती रात बाबूराम ने दीपा को शिवम से फोन पर बात करते पकड़ लिया। दोनों के बीच मारपीट हुई। इसी बीच दीपा ने शिवम को फोन कर अपने घर बुला लिया, जिसके बाद दीपा और शिवम ने बाबूराम की जमकर पिटाई की। बाबूराम के चेहरे पर कई वार किए गए। जब वह बेहोश हो गया तो केबल से उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों प्रेमी प्रेमिका ने बाबूराम के शव को बोरे में बंद कर उसके ही कमरे में फेंक दिया, जहां पर कबाड़ा भरा था। बिस्तर पर सो रहा मृतक का 7 वर्षीय पुत्र दुष्यंत इस पूरी घटना का गवाह है। होते ही उसने शिवपुरम में रहने वाले नाना नानी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने घर जाकर बाबूराम के शव को कमरे से बरामद किया। उसके बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। ये थाना टीपी नगर में अभी एक घटना प्रकाश में आई है, हम लोग के संज्ञान में आई है। एक व्यक्ति है, बाबू नाम है उसका, उसकी पत्नी ने अपने एक प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या की है। ये विगत रात्रि की घटना है और इसके बाद इन्होंने उसकी डेड बॉडी को कहीं छिपा दिया। दिन में बात संज्ञान में आई है, वहाँ जाके बॉडी रिकवर की गई और आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। उसकी पत्नी और उसका प्रेमी है, इन लोगों ने मिलके बाबू नाम के व्यक्ति की हत्या की है। ये बताया गया है कि किसी बात पे पति से झगड़ा हुआ था, तो उसने अपने प्रेमी को बुला लिया। उसके बाद जो घर में कपड़े धोने वाली थपकी होती है, उससे उसके ऊपर वार किया और गला घोंट के उसकी हत्या कर दी गई है। उसमें पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और अभियुक्त पंजीकृत करे आगे कार्रवाई की जा रही है। पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली इस पूरी घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। मेरठ से टीम टीवी 30 के साथ राशिद खान की रिपोर्ट। न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट्स आयुर्वेदा। एक बात बताओ, अगर मैं ये लगा लूं तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? ये पहन लूं तो क्या पुलिसमैन? मतलब सिर्फ हरी पत्तियां दिखाने से कोई आयुर्वेदिक नहीं बन जाता। सही आयुर्वेद है लीवर आयुष। 5,000 साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित 15 आयुर्वेदिक जड़ी बूटी युक्त आयुष हल्दी सोप, केसर सोप और काउस घी सोप। दिखावे से बचो, सही आयुर्वेद चुनो लीवर आयुष।